जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और इस बात का पूरा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब जो 2022 में एफएटीएफ की पेरिस में मीटिंग चल रही है उसमें जो है पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। पेरिस में ये मीटिंग थी और अभी अभी ये सूचना प्राप्त हो रही है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है। 2018 में पाकिस्तान को लाया गया था इस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान पर टेरर फंडिंग से जुड़े हुए रिलेटेड मैटर थे, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मैटर थे और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से खतरा था, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एफएटीएफ में लाया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत का जिस प्रकार से रूस के साथ अपनी फ्रेंडशिप को देखते हुए कुछ निर्णय रहे, हालांकि भारत ने बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण यूक्रेन की वार में अपनाया है, लेकिन बावजूद इसके और जिस तरीके से पाकिस्तान में परिवर्तन हुआ, वहां पर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया गया और उन्हें हटना पड़ा, और फिर उसके बाद जिस तरीके से वहां पर शरीफ सरकार आई है, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में जिस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग उभरती हुई दिख रही है, F-16 के मैटर को देख लें या अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आर्सनल्स हैं उन पर एक टिप्पणी देकर के अमेरिका ने जिस तरीके से फिर अपने को विड्रॉ किया, वो सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का पाकिस्तान को लेकर के जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। और उसी के क्रम में ये एफएटीएफ को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जहां तक टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है भारत में, और पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी भी कई सारे आतंकवादी जो शिविर हैं वो कार्य कर रहे हैं और लगातार भारत में आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एफएटीएफ से निकालना निश्चित रूप से भारत के लिए एक झटका माना जा सकता है, लेकिन ये वेस्ट की ड्यूअल पॉलिसी को ही इंडिकेट करता है। जैसा कि एस जयशंकर जी ने कहा था कि F-16 किस लिए पाकिस्तान को दिए गए हैं, वो किसको मूर्ख बना रहा है, ठीक उसी तरीके से एफएटीएफ से पाकिस्तान को निकालना, जबकि पाकिस्तान पूरी तरीके से एफएटीएफ के जो नाम्स हैं उनको फुलफिल नहीं करा है, लेकिन इसके बावजूद उसको निकाल दिया गया, ये वेस्ट के दोहरेपन को ही इंडिकेट करता है। ये है कि अभी एक दिन पहले ही अमेरिका ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो 1267 का जो प्रस्ताव है वो उसके अंतर्गत भारत के साथ लाए थे, जिसे हालांकि चीन ने वीटो कर दिया, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अमेरिका और उसके नेतृत्व में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एफएटीएफ को ये कैसे बताने में चूक कर गए कि पाकिस्तान में अब जो है टेरर फंडिंग पूर्णतः बंद हो चुकी है, जबकि ये प्रस्ताव खुद अमेरिका द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में जो है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के विरुद्ध लाया गया था, रऊफ असगर और अब्दुल रहमान मक्की जैसे जो आतंकवादी हैं उनके विरुद्ध। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो है डबल गेम खेल रही है और उनकी रणनीति वास्तव में है क्या, वो क्या भारत पर प्रेशर बना करके यूक्रेन युद्ध में भारत को पूर्णतः अपने पक्ष में शामिल करना चाहती है। हालांकि भारत का जो दृष्टिकोण है निश्चित रूप से राष्ट्रीय हितों से संचालित है और हम अपने राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, अमेरिका को स्पष्ट कर दिया गया। एक्चुअल में जो ग्लोबल वॉचडॉग है एफएटीएफ, इसने 27 बिंदुओं पर आरंभ में पाकिस्तान को जो है 27 पॉइंट एक कार्यक्रम दिया था जिस पर उन्हें कार्य करने के लिए कहा गया था, फिर बाद में उन्होंने उसको 34 किया और 34 के बाद जो है 40 कर दिया था जिस पर पाकिस्तान को काम करना था। और अभी जून में एक टीम ने विजिट किया था, उसके बाद ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया था कि एफएटीएफ से पाकिस्तान बाहर आ सकता है जब अक्टूबर में इसकी मीटिंग होगी, और एफएटीएफ ने ठीक अनुमान के अनुसार ही कार्य किया है। और जहां तक एफएटीएफ का संबंध है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो आर्थिक चुनौतियां हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को जिस तरीके से इन टेरर फंडिंग से और मनी लॉन्ड्रिंग से हो सकता है उसके विरुद्ध ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और अब अगर देखा जाए तो एफएटीएफ की लिस्ट में 22 देश बचे हैं, अभी तक 23 देश थे पाकिस्तान के रिमूव होने के बाद, अब उसमें 22 देश बचे हैं जिनमें से मुख्य रूप से सीरिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सूडान है, यमन है जैसे देश शामिल हैं। और जो एफएटीएफ की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि एफएटीएफ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो एफएटीएफ की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो टी राजा कुमार कर रहे थे, और टी राजा कुमार जो हैं सिंगापुर के हैं और इन्हें आप 2 वर्षों के लिए एफएटीएफ की अध्यक्षता जो है प्रदान की गई। थैंक यू सो मच।